हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको क्लास एट्थ मैथ्स की 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड है, देखिए क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट। क्या करना है हमको? प्रोडक्ट फाइंड करना है। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब आप जानते ही हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो है इसका वो है कि ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर इंटू टू ए और एक टू ए की पावर 22 एंड फिर से इंटू फोर ए की पावर है यहाँ पर 26। बस ये है हमारा सवाल। देखिए हमको क्या करना है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो भी पावर्स होती हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारी ऐड हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल तो सिर्फ ए ही है। अब हमको देखना है कि यहाँ पर फोर है और ये टू है और यहाँ पर सिंगल ही है, तो हम इसको फोर से जब टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 8 और ए है ये हमारे पास है। अब फिर हम इसकी जो पावर्स हैं सारी उनको काउंट कर लेते हैं। देखिए 26 और 22 और फिर यहाँ पर 2, तो 26 थोड़ा सा कर लेते हैं 22 और 2 ये हो जाएगा 10 का 0 और ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो 8 ए की पावर 50 यहाँ पे आएगी, 8 ए की पावर 50, 2 4 8 और ए की पावर 50, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकंड है, ये है हमारे पास 2/3 एक्स वाई और फिर मल्टीप्लाई है -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहले देखते हैं कि ये कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा। फिर कैंसिल होगा तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल करके छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 3 1 3 और 3 3 9। ठीक है, और ये है 2 1 2 और 2 5 10। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बचा, 2 1 2 2 5 10 और 3 1 3 ये पूरा कट गया और 3 3 9 तो हमारे पास आया 3/ इधर भी देखिए 5 से मल्टी 1 करेंगे तो कुछ नहीं, 5 ही आने वाला है। और ये इसका साइन का हमें ज़रूर ध्यान रखना है जो कि माइनस का आएगा। और फिर एक्स स्क्वायर और ये एक और एक्स है तो हम एक्स क्यूब और वाई और यहाँ पर स्क्वायर तो ये भी हो जाएगा वाई क्यूब और ये हो जाएगा हमारा बच्चों आंसर -3/5 एक्स क्यूब और वाई क्यूब। थर्ड है, देखिए -10/3 पी क्यू क्यूब और मल्टीप्लाई करेंगे इसका 6/5 पी क्यूब और क्यू। ठीक है, देखिए अब फिर से देखते हैं, कैंसिल करते हैं इसको, आराम से हो रहा है 3 1 3 3 2 6 5 1 5 और 5 2 10 अब 2 2 हो गया बच्चों 4 और माइनस का आ गया साइन और नीचे तो कुछ है ही नहीं, दोनों साइड 1 1 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अब देखिए हम यहाँ रखेंगे पी और पी क्यूब यहाँ हो गया तो पी की पावर हो गई 4 और यहाँ पर है क्यू है और इधर एक और क्यू है तो क्यू की भी पावर हो गई बच्चों 4। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है -4 पी की पावर 4 और क्यू की पावर 4। फोर्थ सम है और ये लास्ट भी है इस क्वेश्चन का, देखिए ये है बच्चों एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई और एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले ये तो सारे सेम ही हैं, है ना, एक्स ही है। अब हम इनकी पावर्स को काउंट करेंगे 4 और 3 7 एंड 2 9 और एक इसकी 1। ठीक है,
यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये वन है। तो एक्स की पावर आ गया बच्चों 10। बस इतना सा ये आंसर, और इसके साथ ही ये छोटी सी वीडियो हमारी फिनिश होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कम्प्लीटली बता दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।